इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश हुआ है। तो 6,90,242,43,00,000 का बजट पेश हुआ है। बजट में 32,721,96,00,000 रुपए जो है वो दिए गए हैं। साथ ही बजट में नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। तो बजट पेश होने से पहले कई दिग्गजों ने बजट को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो योगी सरकार 2.0 अपना दूसरा बजट पेश किया है। तो ये देख सकते हैं आप, बजट से पहले ये जो तस्वीरें हैं काफी दिलचस्प तस्वीरें हैं, और बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही वो भी आपको सुनवाते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखा रही है, और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना दिखा है उसका बजट भी कुछ तो इस तरह का होगा कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है आज मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जी दोनों मिलकर के कम से कम विपक्ष को और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताएंगे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो लगातार हम लोग बेरोजगारी दे रहे हैं। अगर बेरोजगार नौजवान सड़क पर नौकरी मांगता है तो लाठी के अलावा उसको कुछ नहीं दिया। ये सर्वग्राही होगा, सर्वस्पर्शी होगा, महिलाओं को, नौजवानों को, किसानों को, व्यापारियों को, हम सर्व समाज को लेकर के चलेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में गरीब कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत को नीचे तक उतारेंगे। किसानों के लिए जीवन में खुशहाली लाने वाला होगा, और यह बजट में आया जो निवेश के लिए निवेश का प्रस्ताव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के प्रस्ताव आए हैं, उस प्रस्ताव को बल प्रदान करने वाला होगा। बीमारू राज्य से हम विकासशील राज्यों में आ गए हैं, लेकिन जैसे विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश, यह दोनों एक दूसरे का पूरक बन सके ऐसा बजट होगा। आपको बता दें कि साल 2023-24 का ये बजट 6,90,242,43,00,000 रुपए का है। ये पिछले साल के बजट यानी 6.15 लाख करोड़ से करीब 75,000 करोड़ अधिक है। तो इस बजट में पूर्वांचल के जिलों के विकास के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही 2023-24 के लिए GSDP में वृद्धि दर 19% अनुमानित है। प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी। 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। 14 जिलों में मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। महाकुंभ मेला 2025 में 2500 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना PPP मॉडल पर की जा रही है। तो कई तरह की घोषणाएं इस बजट में की गई हैं।